जीवन बहुत छोटा है और जैसे हम उसे जीते हैं उससे तो और भी छोटा हो जाता है। संस्कृत इज नॉट द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। तमिल एक ऐसी इंडियन लैंग्वेज है विच केम वे बिफोर संस्कृत। फादर ऑफ सिद्धा मेडिसिन, मास्टर ऑफ लिटरेचर एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सप्तऋषि ऑफ ऑल, अगस्त मुनि। नमस्ते, दिस इज योर बॉय यतिगौर और आप देख रहे हैं दी अनफोल्डिंग प्ले। आपको पता है, आगे बढ़ने से पहले हम लोग वो सब्सक्राइब बटन दबाएंगे, नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे। मैं रुद्रप्रयाग से जब निकला तो मुझे गुप्त काशी पहुंचना था, बट गुप्त काशी पहुंचने से पहले अगस्त मुनि एक ऐसी जगह थी जहां पे मुझे रुकना बहुत जरूरी था। लोकल से मुझे बताया था कि अगस्त मुनि जो है वो सप्तऋषि में से एक है। सो आई थॉट इट इज वेरी गुड आइडिया टू एक्चुअली गो देयर एंड विजिट हिज टेम्पल। अगस्त मुनि जो गांव है वो एक्चुअली अगस्त मुनि ऋषि के ऊपर पड़ा है, इनका वहां पे मंदिर है। और जब मैं मंदिर में घुसा तो मुझे उनके बारे में और पता चला, उनकी स्टोरीज पता चली एंड आई गॉट टू नो जो अगस्त मुनि मंदिर वहां पर है वो एक्चुअली में इसलिए बनाया गया था बिकॉज अगस्त मुनि ने वहां पे लॉर्ड शिवा यानी महादेव के लिए मेडिटेट तपस किया था और इसलिए वो जगह अगस्तेश्वर महादेव के नाम से भी जानी जाती है। बट वाई अगस्त मुनि सो प्रोमिनेंट अमंगस्ट ऑल दी सप्तऋषि इज अ डिफरेंट गेम। अगस्त मुनि की अपीयरेंस आपको दो युगों में दिखेगी, जिसमें से त्रेता और द्वापर युग है जब रामायण हुई थी और महाभारत हुई थी, तो दोनों में अगस्त मुनि का एक्चुअली डिस्क्रिप्शन भी है और उनकी प्रेजेंस के काफी फैक्ट्स मौजूद भी है। अगस्त मुनि वॉज नॉट जस्ट एनी अदर ऋषि, ही वॉज एक्चुअली नोन एज द फादर ऑफ सिद्धा मेडिसिन। वो हैं जिन्होंने एक्चुअली में हर्ब्स नेचुरल प्लांट से सिद्धा मेडिसिन को इन्वेंट किया था एंड इट वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल एंड स्टिल अ लॉट ऑफ आयुर्वेदा कंपनीज, अ लॉट ऑफ बिग बिग कंपनीज विच आर इन फार्मास्यूटिकल्स आर यूजिंग सिद्धा मेडिसिन। और सिर्फ यही नहीं, अगस्त मुनि जो थे ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेचर राइटर ऑल्सो। अगस्त मुनि ने काफी एंशियंट पुरानी लैंग्वेजेस में टेक्स्ट लिखे हैं, जिसमें से मेजर लैंग्वेजेस जो सामने आती हैं वो संस्कृत और तमिल है। और काफ़ी ऐसे टेक्स्ट हैं जिनसे पता चलता है कि संस्कृत जो एक्चुअली लैंग्वेज है वो तमिल से निकली हुई है एंड तमिल वॉज वन ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया एंड देन लेटर ऑल द लैंग्वेजेस केम इवन संस्कृत। तो संस्कृत एक्चुअली में जो है वो काफ़ी लेट आई है बिकॉज अगस्त मुनि के काफ़ी ऐसे टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स हैं जो तमिल में भी लिखे गए हैं एंड विच इज़ वे बिफोर संस्कृत इवन केम। इन एंशियंट साइंस ऋषिज आर ऑल्सो बिलीव टू बी द मैजिकल साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम। काफ़ी ऐसी राइटिंग्स हैं जिसमें ये बताया जाता है कि एक्चुअली में जो पुराने ऋषि मुनीज थे, जो योगीज थे, देवर एक्चुअली द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम। जो स्पेशली जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, चाहे ऋषि वशिष्ठ हैं, अगस्त मुनि हैं, अत्र मुनि हैं, तो जितने भी ऐसे ऋषि मुनि हैं वो एक्चुअली में उस टाइम के साइंटिस्ट भी माने जाते थे। और उत्तराखंड इज एक्चुअली वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे आप ऐसे ऋषि मुनीज का आश्रम और टेम्पल ढूंढ सकते हो। इसके अलावा अगस्त मुनि साउथ इंडिया में तमिलनाडु साइड, केरला साइड मान्यता रखते हैं। देयर आर मोर टेम्पल्स एंड आश्रम्स ऑफ अगस्त मुनि इन साउथ इंडिया देन नॉर्थ इंडिया। जितनी भी द्रविडियन लैंग्वेजेस निकली हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस वर रिटन बाय अगस्त मुनि हिमसेल्फ। एंड हियर आई वॉज सिटिंग इन अ टेम्पल वेयर ही हैज एक्चुअली मेडिटेटेड फॉर लॉर्ड शिवा। और जब आप ऐसी जगह पे एक्चुअली में पहुंचते हो, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी ब्यूटिफुल बाय व्यू, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज ब्यूटिफुल थ्रू आईज सीन विद ब्यूटी, बट आई थिंक इट इज ब्यूटिफुल वेन यू get to know about such facts and you get to know about this history और कैसे actually में सारी चीज़ें connected and how they were connected। actually जब मुझे पता चला कि अगस्त मुनि जो है वो actually में रामायण और महाभारत में दोनों हैं, it changes a lot of things because उस time पे जितने भी ऋषि मुनीस थे, योगीस थे, उनकी एज जो थी वो actually में 100-150 साल से ज़्यादा थी। that is how they can live and that is how they are even present in both the yugas, in Treta Yug and Dwapar Yug। and अगस्त मुनि is one of the rishis who is actually blessed by महादेव himself because उन्होंने इस जगह पे, जो जगह का नाम है अगस्तेश्वर महादेव, जो actually में अगस्त मुनि उत्तराखंड में पड़ता है,
तो इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू स्पेशली टू मी, और इसीलिए शायद मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और ऑन फुट ट्रैवल कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं व्हीकल पे होता तो मैं शायद कभी भी, मुझे नहीं लगता कि मैं उस टेम्पल रुकता। और पर अगस्त मुनि के बाद मुझे गुप्त काशी पहुँचना ही था, बिकॉज अभी मेरे पास बहुत टाइम था। मैं गुप्त काशी कैसे पहुँचा, रास्ते में क्या हुआ, ये मैं आपको बताऊँगा कल आपके 5 मिनट लेके। तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो और ये वीडियो जितने लोगों के साथ हो सके शेयर कर दो। सी यू नेक्स्ट टाइम।